अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू करवाया है, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिलीवरी देखें ये आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने SPL के थ्रू मंगवाया था, तो ये मुझे तकरीबन 10-15 दिन लगे हैं। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है 1-2 महीने पहले रीन्यू करवा लें ताकि आपको वहाँ ना जाना पड़े और आपके घर तक ये 10-15 दिन में आ गया था। ईद की छुट्टियाँ थी इसलिए मैं भी लेट हुआ है, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है। मतलब कि आपको अगर अर्जेंट चाहिए तो आप वहाँ से जा कर ले सकते हैं। मैंने SPL के थ्रू ऑनलाइन मंगवाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 16-17 रियाल फ़ीस थी, वो मेरे घर पे आ गया। जो आपका नेशनल एड्रेस है वहाँ पे आ जाएगा। तो इसको कैसे रीन्यू करना है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है? फिर आपको मुकम्मल इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकेगी कैसे इसको रीन्यू करवाना है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो है ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी है, अभी आप इनके ऑफिस में भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे इसको रीन्यू करवा सकते हैं। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मेडिकल ऑफिस में जाना है। किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाएँ, उसके आपने मेडिकल करवाना है। आइस टेस्ट होता है और ब्लड ग्रुप टेस्ट आपका होता है, वो करवाना होता है। वो आप जाएंगे, आप अपने इकामे की कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी वो साथ ले जाएं। ये दोनों की एक ही पेज पे आपने कॉपी करवानी है और हॉस्पिटल में चले जाना है। वहाँ पे आपने मेडिकल करवाना है। वहाँ पे मेडिकल करवाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपलोड हो जाएगा। जो ही वो ऑनलाइन हो जाए आपको एक मैसेज हो जाए आ जाएगा। मैसेज आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी अब फीस पे करनी है। फीस पे कैसे करेंगे, वो बैंक के थ्रू करनी है। आपके पास कोई भी बैंक का कार्ड है आप उसके ज़रिए कर सकते हैं इजीली। हमारे पास राजी का है, तो हम आपको बताते हैं कि राजी से कैसे इसकी पेमेंट करेंगे। तो चलो चलते हैं जी राजी बैंक। तो जी दोस्तों, ये देखो हमारी जो एप्लीकेशन में हमने लॉगिन कर लिया है। ये नीचे देखें पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें गवर्नमेंट पेमेंट, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो नीचे दिए देखें ट्रैफिक, ट्रैफिक वायलेशन, मोटर व्हीकल और ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप पूछ रहा है इशू लाइसेंस, मतलब कि आपने न्यू बनवाना है, रिप्लेस करवाना है या रीन्यू करवाना है। तो हमने क्या करना है, रीन्यू करवाना है, तो ये रीन्यू लाइसेंस पे ओके करेंगे। तो इसके बाद वो पूछ रहा है पेमेंट या रिफंड, तो हमने क्या करना है, पेमेंट करनी है। बेनिफिशरी आईडी किसके आपने करना है वो उसका ही काम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे करेंगे लाइसेंस टाइप, तो हमने कौन सा बनाना है, तो हमने ये हमारा अपना है प्राइवेट, यहाँ पर प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितनी है, 2 साल भी है, 5 साल भी है, 10 साल भी है, तो आपकी मर्ज़ी है। आप जितने साल का रीन्यू करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, तो हम करवा रहे हैं 5 साल का। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे नेक्स्ट पे। तो ये देखो उसकी पेमेंट आ रही है 200 रियाल। तो हम इसको क्या करेंगे, अब कन्फर्म, हमको एक OTP कोड आएगा। तो ये देखें ये ऊपर आ चुका है सक्सेसफुल पेड, यानी हमारी जो फीस है वो पे हमने कर दिया। आप इसके टेक्स्ट या यहाँ PDF फाइल भी एक अपने पास सेव कर सकते हैं।
जी दोस्तों, पेमेंट करने के बाद हमने अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब शहर में जाना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब जाएंगे हम आबशर में, जो आबशर की एप्लीकेशन है उसको ओपन नहीं करना आपने, गूगल क्रोम में जाके आबशर की आईडी को लॉगिन करना है। ये देखिए ऑप्शन में खोलेंगे, तो जी दोस्तों ऑप्शन में आ चुके हैं। ये देखें इंडिविजुअल आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, तो हमने कौन सा ओपन करना है? इंडिविजुअल। तो हमारा क्या है? इंडिविजुअल, इसको ओपन करेंगे। पे हम क्या करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड लगाएंगे। तो जी दोस्तों ये देखिए ऑप्शन को लॉगिन करने के बाद ये नीचे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है माई सर्विसेज, नीचे आ रहा है सर्विसेज और इंक्वायरी, तो हमने किस पे क्लिक करना है? सर्विसेज पे। तो जी दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पे आपने जाना है? ये देखिए बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमने कौन सा सेलेक्ट करना है? ये ट्रैफिक, इसको ओके करेंगे। इसको ओके करने के बाद ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है, रीन्यू ड्राइविंग लाइसेंस, रीन्यू ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है, इसको ओके करेंगे। नहीं दोस्तों, तो ये देखो वो पूछ रहा है कि बॉडी हेल्थ टेस्ट चाहिए, मेंटल हेल्थ टेस्ट चाहिए और आईज टेस्ट चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सबसे पहले आपने हॉस्पिटल में जाके ये टेस्ट करवा लेना है बस, और ये 24 घंटे के अंदर अंदर ऑनलाइन हो जाएगा। ये सब जब आपको मैसेज आएगा तब आपने करना है। तो हमें ये टेस्ट करवा चुके हैं, तो हम फिर क्या करेंगे नेक्स्ट? तो यहाँ पे वो पूछ रहा है सिलेक्ट लाइसेंस टाइप, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे प्राइवेट। तो ये रिन्यूअल पीरियड कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, आपकी मर्जी है जितना भी अपने करवाना है, 2 साल है, 5 साल है और 10 साल क्या है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट। ये देखिए ये हमारी फुल डिटेल आ रही है, नाम, तारीख, कब से इशू होगा, कब तक ये एक्सपायर होगा, ये टर्म एंड कंडीशन है, इसको भी अच्छी तरह पढ़ लें आप। फिर नीचे आ रहा प्लीज एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन को, ओके करने के बाद हमने क्या करना है? कंफर्म करना है। तो ये देखें ये ऊपर आ गया है, तो ये देखें ऊपर आ चुका है, योर ड्राइविंग लाइसेंस इज सक्सेसफुली रिन्यूड, हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यूड हो चुका है। तो अभी आपने इसके दो ऑप्शन है, अगर आपने दल्ला में खुद जा के लेके आना है तो आप खुद भी लेके आ सकते हैं, अगर आपने मतलब कि कोरियर के जरिए मंगवाना है तो वो नीचे आ रहा है देखो, रिक्वेस्ट पोस्टल डॉक्यूमेंट डिलीवरी, तो आप इसके जरिए भी मंगवा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। आपको अगर फ़ौरन चाहिए तो आप दल्ला में चले जाएँ, वहाँ से जाके आप अपना क्यामा देंगे, तो वहाँ से वो आपको लाइसेंस जो है रिन्यू प्रिंट करके वो दे देंगे। अगर आपको घर पे चाहिए तो ये रिक्वेस्ट पोस्टल डॉक्यूमेंट डिलीवरी है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर घर पे ही मंगवाते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी,
तो ये देखें जो आपका नेशनल ड्रेस बना हुआ है उस पे आ जाएगा। इसको हमें सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ड्रेस करने के बाद नेक्स्ट कंफर्म डिलीवरी टू बिलो डॉक्यूमेंट टू द सिलेक्टेड बैच एड्रेस, नीचे जो आपका नेशनल अपने नेशनल ड्रेस बनाया हुआ है उसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो, कन्फर्म डिलीवरी रिक्वेस्ट। हाँ नीचे वो आ रहा है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कि वो आपको ईमेल पे करें, मोबाइल नंबर पे करें और प्राइवेट या कुछ भी आपने प्राइवेट उसकी ईमेल देनी है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे कनेक्ट करेगा हमारे नंबर पे, यहाँ पे अपना अपना नंबर जो ऑप्शन पे है या आपके पास जो ओन है वो नंबर लिखें यहाँ पे, फिर कन्फर्म डिलीवरी रिक्वेस्ट। योर डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट डिलीवरी हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर पोस्टल, ठीक है। तो ये अब इंशाल्लाह वो बोल रहा है कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। तो ये देखें दोस्तों कैसे है, बहुत ही ईजी है। आप भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे इसको रीन्यू करवा सकते हैं। पहले होता था दल्ला में जाने, वहाँ से मेडिकल करवाएं, वहाँ जाके लाइनों में लगें, फीस पे करें, मतलब कि बहुत लंबा प्रोसीजर था और मुश्किल भी था। अब इसको आप घर बैठे इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी आपको लगी, तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।